अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो जी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन के डेली रूटीन जो मैं जो भी काम करती हूँ, क्या करती हूँ और कैसे मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि घर में मुलाजिम भी नहीं है, घर का पूरा काम करना होता है। उसके साथ ही जो है जी मैं जॉब भी करती हूँ और ये कपड़े प्रेस करके अभी जो है मैं रात को ही रख देती हूँ और सुबह को जो है मतलब प्रेस करके जो है रख देती हूँ। तो सुबह को इजी लगता है बस तैयार होकर जो है जल्दी जो है पहन लेना, क्योंकि सुबह को बहुत सारा काम होता है। सुबह को नाश्ता बनाना होता है, उसके साथ चाय वगैरह ये सारी, और ज़िक्रा को तैयार करना होता है, उसको तैयार करना होता है स्कूल के लिए। वो छोटी हैं तो खुद जो है तैयार नहीं होती, मैं ही उसको तैयार करती हूँ और उसको भी तैयार करती हूँ। उसके साथ खाना नाश्ता वगैरह लंच बॉक्स उसका बनाती हूँ, अपना बनाती हूँ, और उसके साथ ही जी पूरे काम जो है करना, मैनेज करना एक साथ बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं कैसे जल्दी जल्दी में करती हूँ, और जल्दी जल्दी में मेरी रिकॉर्डिंग भी ऐसी हुई है ना, कहीं से मैंने रिकॉर्ड किया है, कहीं से शोर दिया है। तो यहाँ पे रात को ही मैं कपड़े प्रेस करके रख रही हूँ ताकि सुबह को ईजी लगे। और लाइट का पता नहीं होता कि सुबह को कभी होती है कभी नहीं होती। सुबह को जब मैं उठती हूँ लाइट कभी होती है कभी नहीं होती, यहाँ जब मैं उठती हूँ तो पहले होती है उसके बाद फिर चली जाती, तो ऐसे होता है। तो इसीलिए जो है मैं कपड़े जो है प्रेस करके रख देती हूँ। तो पहले क्या होता था कि मैं पूरे जो है हफ्ते का कपड़े प्रेस करके जो है रख देती थी, फिर इजी होता था, बस जो है टेंशन नहीं होता था। तो इस दफ़ा क्या हुआ है, काम ज़्यादा हो गया है और मुलाजिम तो भी जो है नहीं है मेरे पास, मैं नहीं रखा, क्योंकि मुलाजिम ने मैंने एक तो मुलाजिम रखी, देखे मुलाजिम बहुत तंग करते हैं, उसके साथ मुलाजिम का भी टेंशन होता है, और जो है उसके साथ जो है इतना मतलब ऐसा समझो कि सर जो है ना खपाना पड़ता है। तो बस इसीलिए मैंने मुलाजिम से जो है जान छुड़वा ली, बस मुलाजिम मुझे नहीं रखना। अभी घर पूरा जो है ना फैला हुआ होता है, फिर भी मैं कहती हूँ नहीं बस मुलाजिम नहीं रखना। जैसे तैसे जो है आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा करके काम करती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा जब भी जो है मूड होता है तो कर लेती हूँ, कभी नहीं होता है तो छोड़ देती हूँ। ऐसे मतलब पड़ा हुआ होता है काम पर जो है मुलाजिम नहीं रखना मुझे, क्योंकि मुलाजिम ने मुझे इतना तंग किया हुआ है, इतना बेजार किया हुआ है कि मैं अभी जो है मुलाजिम नहीं रखना चाहती। तो यहाँ पे कपड़े मैं प्रेस करके रख दूँगी, ज़िक्रा के भी जो है पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ये भी प्रेस करके सारे रख दूँगी। और टेबल जो है टेबल इस्त्री का टेबल अलग है, उस टेबल पे मैंने कंप्यूटर रखा है, तो यहाँ पे मैं बहुत ही मुश्किल से कपड़ा इस्त्री कर रही हूँ। अभी जो है सुबह हो गई है, मैंने रात को ही वह जो है कपड़ा प्रेस करके रख दी और इतनी सी मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद हम सो गए। उसके बाद जी ये सुबह का मैं जो है नाश्ता बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने चाय रख दी है, और चूल्हे का आप देख सकते हैं रोलर ख़राब हो गया है स्टोव का, तो यहाँ पे जो है एक ही चूल्हा जो है चल रहा है, तो एक चूल्हे से जो है बहुत लेट हो गई, मैं बहुत ही लेट हो गई थी, और एक एक जो चूल्हे पे जो है बनाना पड़ रहा था। पहले चाय बनाई, उसके बाद ऑमलेट बनाया। ऑमलेट जो है मैं ऐसे प्याज जो है रफली जैसे हम काटते हैं इसी तरीके से मैं काट लेती हूँ, फिर मैं जो है पलटा जो होता है तो मेरे पास पलटा है तो उससे मैं इसको ऐसे जो है पीसती हूँ। नमक लाल मिर्च वगैरह ये सब जो है डाल दूँगी। यहाँ पर ये देखिए चाय उबल आई जल्दी, मैं यहाँ पर ध्यान था मेरा, तो मैं ऐसा ही करती हूँ, एक तरफ जो है एक चीज़ रखती हूँ दूसरी तरफ दूसरा काम स्टार्ट कर देती हूँ, तो मेरी यही आदत है। और इसी तरीके से मैं जल्दी बना लेती हूँ, कुछ भी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने इसमें नमक भी डाल दिया, और इसमें यहाँ पे मैं जो है लाल मिर्च भी ऐड कर लूँगी, और जो भी आप मसाला डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे जितने आप चाहें। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ऐड की इसमें। तो जी मैं आपको बताती हूँ कि मैं पलटे से इसको किस तरीके से पीसती हूँ। तो ये पलटा है, और इससे मैं इस तरीके से जो है ना ऐसे जो है ऐसे ऐसे करके जो है ना करती हूँ, तो ये चॉप हो जाते हैं। जैसे ना हम चॉपर मशीन में इतनी मेहनत करते हैं तो इससे ऐसे जल्दी हो जाता है, तो चॉपर मशीन में मुझे मुश्किल लगता है। चॉपर मशीन निकालो, फिर जो है उसको रखो, फिर ऐसे करो ऐसे करो, ये बहुत ही मुझे मुश्किल लगता है। तो इस तरीके से मैं इसको चॉपर मशीन में जो है ना नहीं करती, तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ, ये भी ईजिली हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ चाय बन गई, और यहाँ पे जो है जो ऑमलेट का जो है मतलब मैंने मसाला पूरा जो है रेडी कर लिया, तो ये दोनों काम हो गए। अभी जो है मुझे सिर्फ रोटियाँ जो है पकानी है और ये ऑमलेट जो है ये इसको पकाना है। तो ये भी आपको मैं बता दूँ, ये देखिए कितना जो है पीस चुका है, ऐसे ही लग रहा है जैसे मैंने चॉपर मशीन में किया हुआ है, इतना जो है हो गया है। अभी जो है अंडे जो है इसमें डाल के जो है फिर मैं इसको पका लूँगी। तो मुझे लेट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा जो है लेट हो गई थी, ज़िक्रा को लेट हो रही थी, उसको तैयार करना था, तो जल्दी जल्दी में जो है
मैंने ये ऑमलेट बना लिया, उसके बाद जो है रिकॉर्डिंग में जितनी कर सकी हूँ की हैं, उसके बाद जो है ज़्यादा मैंने नहीं की क्योंकि बहुत ही लेट हो रहा था। तो मैं बंद कर रही थी कैमरा बार बार और जल्दी जल्दी मैं जो है काम करती रहती थी ऐसे ही। तो अभी जो है ऑमलेट में बनाने लगी हूँ, तो तवा जो है गर्म था, उसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाला है और उसके बाद जी ये मसाला पूरा ऑमलेट का जो बनाया है मैंने वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी और पकाऊँगी मैं इसको ऐसे कि मैं इसको जो है पहले फैला दूँगी, फैला के पूरा, और उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी और हल्की आँच कर दूँगी। ऐसे जो है मतलब अच्छी तरीके से पक भी जाता है और फुल आता है ऑमलेट, ऐसे फुल फुल जाता है ना, तो बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ भी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर अभी मैं जा रही हूँ जॉब पर और वापस आके जो है आपके साथ बरसात जो मतलब शेयर करने वाली हूँ और रूटीन ब्यू को साइड पे बरा। यहाँ पे हम जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वहाँ से तो हम यहाँ पे तेज़ बरसात जो शुरू हो गई, तेज़ बारिश हो रही थी और हम निकल भी नहीं पाए थे और 2 बज गए थे हमें, दोपहर के 2 बज गए थे जब हम घर पहुँचे। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी बरसात की कि कैसे बरसात बरस रही है और हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो अगर आपको जो है आपको ये जानना है कि मैं ड्यूटी कहाँ पे करती हूँ तो आपको मैं इंस्टा पे बताऊँगी, वो लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं घर वापस आई तो यहाँ पे जो है मैंने खाना बनाना शुरू किया क्योंकि जैसे मैं आती हूँ फ़ौरन से मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी जल्दी करके। यहाँ पर जो प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, फ्राई करके बाद गोभी को मैंने काट के रखा हुआ, गोभी और चिकन बना रही हूँ। और किचन जो है मेरा किचन आप देख सकते हैं फैला हुआ है, पूरा पूरा फैला हुआ है, बर्तन भी नहीं धुले हुए, पूरा जो है सेटती हूँ। तो मैं ऐसे जल्दी से चली जाती हूँ और फिर वापस आती हूँ, फिर जल्दी से खाना बनाना होता है, फिर भी काम नहीं कर पाती। उसके बाद ही मैं जब टाइम मिलता है तो मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी जो है लहसुन का पेस्ट डाला है, उसके बाद हल्दी नमक लाल मिर्च ये सारे मसाले ऐड कर लिए। अभी मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी, चिकन को थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद ये गोभी जो है मैंने रखी हुई है इसको जो है मैं इसमें ऐड करूँगी, ये धो लूँगी मैं अभी इसको। थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको रखा हुआ है ताकि जो मिट्टी वगैरह ऊपर होती है गोभी के वो सारी उतर जाए। तो आप अभी भी देख सकते हैं कि किचन भी मेरा फैला हुआ है और रूम में आपको दिखाती हूँ, रूम भी पूरा फैला हुआ है, मतलब पूरा जो घर है ना मेरा फैला हुआ है क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बस ऐसे ही काम होता है मेरा। मतलब मैं एकदम जो है पूरी सफाई करके बैठ नहीं सकती, अकेली हूँ और थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ और ऐसे ही मेरे जो है थोड़ा थोड़ा काम होता रहता है, एक साथ जो है मैं सारा नहीं कर पाती। तो आप में से जिसको जो है बच्चे होंगे तो उनको पता होगा कि कैसे फेस करते हैं बच्चों के साथ घर को, काम को, और एक तो जॉब हो और ड्यूटी हो उसके साथ ही जो है बंदा बिल्कुल नहीं कर पाता, और मुलाजिम के सिवा तो कोई चल ही नहीं सकता। तो मुलाजिम भी नहीं है मेरा, तो मैं तो मुलाजिम के सिवा भी जो है चल रही हूँ। तो बहुत सारा काम होता है जैसे कि खाना पकाना, और अभी जो है मैंने गोभी बना ली है और अभी जो है मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ, चावल की जो है मैं आज रोटी बनाऊँगी। तो बस ये मुझे पसंद है तो मैं आज जो है आपको रोटी बना के दिखाती हूँ। मैं बनाती हूँ पर जो है पहले कभी मैंने वीडियो में नहीं बनाई, तो मैंने सोचा कि आज आपको जो है मैं बता दूँ कि रोटी मैं कैसे बनाती हूँ। तो जी ऐसे में थोड़ा जो है कम जो है आटा लेती हूँ ताकि जो है रोटी छोटी बने, और छोटी भी बनाती हूँ और ऐसे जो है पतली भी बनती है ना, पतली और कड़क होती हैं तो बहुत ही अच्छी बनती हैं। ऐसी रोटी बनाती हूँ तो मैं कड़क भी बनती हैं और पतली भी बनती हैं तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं।
तो यहाँ पे लाइट चली गई थी क्योंकि बरसात हो रही थी ना, तो बरसात की वजह से लाइट तो बंद भी हो जी गई यहाँ थी। पे मैंने खाना बना लिया था और उसके बाद जी लाइट चली गई थी तो अंधेरा हो गया था और मेरी मोबाइल में जो है बैटरी लो थी तो मैंने आगे रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और ये अजवा यहाँ पे आई हुई थी तो है ये जो है अपने लिए आलू बना रही हूँ क्योंकि मैं चिकन बनाऊँ कुछ भी बनाऊँ पर इसको आलू पसंद है। तो यहाँ पे मैंने व्लॉग एंड किया है और मैं कल का व्लॉग बनाऊँगी और यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, मिलूँगी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।